हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हसन अली के 5 विकेट हॉल के बारे में। और दोस्तों, ये इन्होंने कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ करा। और दोस्तों, ये इन्होंने 5 विकेट बड़े बड़े लोगों के विकेट लिए थे। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपको आखिरी में वो छक्के भी दिखाई देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कॉपीराइट ना इस कारण मैं नीचे कॉपीराइट डिस्क्लेमर भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हसन अली ने कौन कौन से 5 विकेट लिए थे। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली विकेट किसने कराई हसन अली ने। तो दोस्तों, पहली विकेट डीन एल्कर की गिरी थी। दोस्तों, डीन एल्कर कितने खतरनाक खिलाड़ी है वो आप भी नहीं अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों, डीन एल्कर 15 रन बना के आउट हो गए 21 गेंदे खेल के। और दोस्तों, ये तो हो गए पहले विकेट की बात। अगर दोस्तों वैसे देखा जाए तो डीन एल्कर थोड़े से सेट हो चुके थे। और दोस्तों, जो दूसरी विकेट गिरी थी वो गिरी थी रसिम एंडरसन की। दोस्तों, रसिम एंडरसन पहले ही बॉल पे आउट हो गए। और दोस्तों, इसका मतलब ये डक कहलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 16 रन बनाए इस कारण। और दोस्तों, अगर बात करें तीसरे विकेट की, तो दोस्तों तीसरे विकेट जॉस लिंडे की गिरी थी। दोस्तों, जॉस लिंडे भी एक अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं। और दोस्तों, जॉस लिंडे भी 21 रन बना के खेल रहे थे, वो भी 21 गेंदों में। लेकिन दोस्तों, हसन अली ने उनको भी आउट कर दिया। और दोस्तों, जो चौथे नंबर पे नाम आता है वो है केशव महाराज। दोस्तों, केशव महाराज ने एक ही रन बनाया था, वो भी 15 गेंदों में। और दोस्तों, हसन अली ने इनको भी आउट कर दिया। और दोस्तों, जो पांचवा नाम है, और दोस्तों हसन अली ने जो पांचवा विकेट गिराया था वो किराया था अनीस नोस्टे का। दोस्तों, अनीस नोस्टे को भी हसन अली ने एक ही गेंद में आउट कर दिया। और दोस्तों, अनीस नोस्टे ने 0 रन बनाए थे, यानी इसका भी डक खिलाया जाएगा। और दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, पहला विकेट जो कि डीन एल्कर का था वो कैच आउट हुए थे, वो मुहम्मद इरफान जो कि विकेट कीपर है उनके क्लब्स में बॉल आ गई डायरेक्ट, और इसी कारण डीन एल्कर को पवेलियन जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जो 4 खिलाड़ी थे वो सारे बॉल आउट हुई, यानी स्टंप्स पे बॉल लग के आउट हुई। और दोस्तों, ये तो हो गई हसन अली के 5 विकेट की बात। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हसन अली के बॉलिंग स्टैट्स की। तो दोस्तों, हसन अली ने कुल 15.4 ओवर करे थे। और दोस्तों, आप भी सुनकर शौक हो जाओगे कि 15.4 ओवर्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर मेड इन ओवर का है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं उनके रन कितने दिए हसन अली ने, तो दोस्तों हसन अली ने अपना अर्धशतक कम्प्लीट कर दिए रन देने में। तो हसन अली ने कुल 54 रन दिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हसन अली ने कुल 5 विकेट गिराए थे। और दोस्तों, अगर बात करते हैं हसन अली की इकनॉमी की, तो दोस्तों हसन अली की इकनॉमी थी 3.45, जो कि दोस्तों अगर देखा जाए तो एक टाइप से गंदी इकनॉमी भी नहीं कही जा सकती। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल इकनॉमी भी कहा जा सकती है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट मैच में 2 के इकनॉमी ही सबसे अच्छी इकनॉमी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, हसन अली की 3 की इकनॉमी थी, इसलिए वो नॉर्मल इकनॉमी मानी जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है मुझे जो आपको बताना था हसन अली के बारे में वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे गिरा हसन अली ने वो 5 बड़ी छोटी विकेट।